एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास 19 की प्रैक्टिस। ठीक, कल के वीडियो में मैं आपको बताया था शब्द चिन्ह के बारे में, तो वही शब्द चिन्ह आज आप करेंगे रिपीट। तो देखिए, मैं हिंदी नहीं लिख सकता क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं मिल पाती। आप अपनी बुक आप अपने पास रखिए और वहीं समझने की प्रयास करिएगा। ठीक, देखिए पेज नंबर से पहले आप जाइए 66 पर। देखिए पेज नंबर 66 पर आपको मिलेगा अभ्यास 19। क्लियर? देखिए, तो क्या आप रेडी हैं अभ्यास 19 की प्रैक्टिस करने के लिए? चलिए ठीक। देखिए, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक, आप अपने बुक में देख ही रहिएगा। देखिए, बुक में देखते रहेंगे क्या बना है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, बुक आप अक्सर पहले अपने ओपन करिए। ओपन किए, ठीक, देखिए इसमें लिखा हुआ है पहले आप बुक में साझे। देखिए पहले है साझे, ठीक, उसके बाद दिया है सेज। सेज उसके बाद दिया है जस, आपको दिख रहा है? ठीक, जस। उसके बाद सच, देखिए वही जो हमने आपको बताया था सा सा और जा, और इसके पहले जो हमने आपको शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस कराया था वही सब चीज आप होंगे रिपीट। ठीक, देखिए जस, जस के बाद दिया है सच, सच। उसके बाद दिया है इसमें सत, सत। ठीक, उसके बाद दिया है सन, फिर उसके बाद दिया है नस। ठीक, देखिए पॉइंट वन हुआ आपका क्लियर। ठीक, आपको इतना समझ में आया? देखिए सज सेज जस मिलाते रहिएगा अपने बुक में, सच सत सन नस। क्लियर? अब देखिए पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू दिया है पहला सफा, सा सफा दिया है। उसके बाद देखिए सोफा, सोफा। ठीक, उसके बाद तास, तास। ठीक, उसके बाद साधु। सर दिख रहा है? सर दिख रहा है सर बराबर? ठीक ठीक ठीक। उसके बाद देखिए साधु के बाद लिखा है सीता। ठीक, सॉरी सीता है सीधा। ठीक ठीक, उसके बाद लिखा है बास। ठीक, बास। उसके बाद लिखा है मास। ठीक, देखिए पॉइंट नंबर टू भी हुआ आपका क्लियर। देखिए आप सबको क्लियर होगा, सब आप समझ रहे होंगे। ठीक, देखिए आपको समझ में तभी आएगा जब आप अपनी बुक किए होंगे ओपन। ठीक, देखिए पॉइंट नंबर टू भी हुआ क्लियर। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर थ्री, थ्री पर देखिए, देखते रहिएगा। ठीक, थ्री पर दिया है पहले सकल, सा का और ला मिलकर सकल। ठीक, उसके बाद सजना। ठीक, देखिए सा जा ना सजना। ठीक, उसके बाद दिया है सती, सा ती सती। ठीक, उसके बाद दिया है सीता, सीता। ठीक, उसके बाद दिया है सतपथ, सा ता सत और पाथा मिलकर सतपथ उसमें दिया है। ठीक, सतपथ। उसके बाद दिया है शासन। क्लियर? देखिए पॉइंट नंबर थ्री भी हुआ आपका क्लियर, इतना क्लियर तो बढ़िया आगे। ठीक, उसके बाद दिया है सफल, पॉइंट नंबर फोर देखिए, पहला दिया है सफल, सफल। ठीक, उसके बाद इसमें दिया है हौसला, हौसला, हौसला। ठीक, उसके बाद दिया है बासन, बासाना, बासन। ठीक, बड़ा के मात्रा लगी और शाम न मिलकर बासन। उसके बाद लिखा है सनातन, सना तन। ठीक,
उसके बाद लिखा है डसर, ठीक डसर, डासा रामिलकर डसर, ठीक। पॉइंट नंबर फोर भी हुआ आपका क्लियर। अब देखिए बात करेंगे पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव देखिए आप, ठीक। पॉइंट नंबर फाइव में दिया है एक सीख, पहले एक ही मात्रा है फिक्का सी और कामिलकर एक सी, ठीक। उसके बाद दिया है मौसम, मौसम मौसम, ओके। अब देखिए उसके बाद दिया है जासूस, ठीक। देखिए जा लिखा है, सा की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है सु और सा मिलकर जासूस, ठीक, जा जासूस, क्लियर। उसके बाद क्या लिया है गुस्ल, ठीक, गुसल यानी गुस्ल, सही तरीका होता है गुस्ल, ठीक। उसके बाद लिखा है रसूल, क्लियर। अब देखिए पॉइंट नंबर फाइव पर हुआ आपका क्लियर, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर फाइव पर बात करेंगे, पॉइंट नंबर फाइव आप देखिए, ठीक। देखिए इसमें लिखा हुआ है जलद सास, जा जलद सास, ठीक, जलद सास, जलद सास, ठीक। उसके बाद लिखा है इसमें तेज धार, ते जा तेज धार, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें दास्तान, ठीक, आपको दिख रहा है ना, ठीक, दास तान। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है तीसरा, तीसरा, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें तसला, ठीक, क्लियर इतना, ठीक। देखिए पॉइंट नंबर सिक्स भी हुआ आपका क्लियर। देखिए पहला लिखा हुआ है जलद सास, तेज धार, दास्तान, तीसरा तसला, क्लियर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ इसमें तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं याद किया, ठीक, यानी देखिए शब्द चिन्ह आ रहा है अब, हाँ। अब देखिए वाक्य बन रहा है आपका, तुमने, तुमने, तुमने किस लिए, ठीक, तुमने किस लिए संपूर्ण, संपूर्ण सबक नहीं याद किया, सबक, देखिए सबब सबक कल हमने आपको बताया था, सबक सबक ब्लाइंड कार्ड कर लिखेंगे, ठीक। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक, तुमने किस लिए संपूर्ण सबक, सबक, ठीक। सेंटेंस देखिए, तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं याद किया, सबक नहीं याद किया, ठीक सर, दिख रहा है ना, yes। अब देखिए पॉइंट नंबर सेवन भी हुआ आपका क्लियर। अब देखिए पॉइंट नंबर एट, पॉइंट नंबर एट की बात करें, देखिए आप देखिए इसमें तुम किस संबंध में यह बात, सॉरी देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है अजीब सा लिखा हुआ है, तो उसको आप काट लीजिए, उसको बना लीजिए आप बात, ठीक। देखिए तुम किस, समझते रहिए मेरी बात, तुम किस संबंध में, ठीक, संबंध, तुम किस संबंध में, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं इसका अनुवाद कर रहा हूं, ठीक, तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो, यह बात कर रहे हो, क्लियर। देखिए पॉइंट नंबर एट भी क्लियर। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर नाइन पर, पॉइंट नंबर नाइन देखिए पहले हम पढ़ के बता देंगे, सर्दी के दिन, ठीक, देखिए हम इसमें लिखते जा रहे हैं, ठीक, सर्दी के दिन, सर्दी के दिन, देखिए इसमें सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, ठीक, सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, देखिए लिखा हुआ उसमें, ठीक, इसका मैं अनुवाद कर रहा हूं, कटते हैं, ठीक,
इसको सब लोग, ठीक, देखिए इसमें लिखा हुआ है इसको सब लोग समझते हैं, इसको सब लोग समझते हैं, ठीक, इसको सब लोग समझते हैं। उसमें उसके बाद लिखा हुआ है गर्मी के दिन में कष्ट होता है, ठीक, गर्मी के दिन में कष्ट होता है। क्लियर, पॉइंट नंबर 9 भी हुआ आपका क्लियर। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 पर, ठीक, आप सब देख रहे हैं ना, देखिए पॉइंट नंबर 10, इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं, ठीक, इस समय पहले साहब लोग पहाड़ पर जाते हैं, देखिए, ठीक, इस समय सब लोग पहले पहाड़ पर जाते, देखिए इस समय पहले साहब लोग पहाड़ पर जाते हैं, ठीक, इसका सबब यह है कि, देखिए इसका सबब यह है कि, ठीक, इसका सबब यह है कि वे सामने के सूरज की गर्मी नहीं सह सकते, ठीक, वे सामने के सूरज की गर्मी नहीं सह पाते, ठीक, गर्मी नहीं सह, देखिए सा हमने बताया था कि जब देखिए सा भी आ रहा है और हा है, हा भी आ रहा, तो हमने बताया था कि आप वृत्त को दुगना कर देंगे, ठीक, तो वही सा देखिए उसमें लिखा हुआ है, ठीक, दुगना हुआ है वो, क्लियर, देखिए पॉइंट नंबर 10 भी हुआ आपका क्लियर। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 पर, ठीक, देखिए संसार के सारे सफाखाने, देखिए संसार के सारे सफाखाने, ठीक, सराय संकट को छुड़ाने के वास्ते बने हैं, ठीक, बने हैं, क्लियर, देखिए आपको हुआ कंप्लीट। देखिए मैं जो आपका शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है मैं इसमें नहीं लिखता क्योंकि इसमें जगह कम है, मैं इसलिए देखिए नहीं लिखता तो क्या हुआ, आपके पास बुक तो है ना, आप बुक में देख सिस्टम से लीजिए, ठीक, देखिए बल्कि ये काम आपकी अभ्यास प्रैक्टिस आपका काम खुद करना है, ठीक, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको करा रहा हूँ तो आप सब चीज़ इकट्ठा सभी चीज़ साथ यानी परमानेंट सभी चीज़ें साथ में लेता चलूँ, ठीक, तो देखिए हमने आपको प्रैक्टिस करा दी अभ्यास 19 में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, इसमें से कोई दिक्कत आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।